बोली भारत माता की जय। बोली भारत माता की जय। माता की जय। तो ये तो वो भारत देश है जहां पर आने के बाद हम भारतवासियों के घर में तो शायद रामचरितमानस ना मिले, शायद भागवत गीता ना मिले, लेकिन हमारे देश का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसको विदेशों में भी लोग अपना रहे हैं और हम अपने देश की संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। ये सारी चीजें डिपेंड एक माँ के ऊपर करती है कि जैसा माँ अपने बच्चे को संस्कार देगी वैसा ही बेटा बनेगा। जैसा माँ चाहे अपने बेटे को बना सकती है, माँ चाहे तो बेटे को राम बना दे और माँ चाहे बेटे को रावण बना दे। तो नारद जी कह रहे हैं, बोले हम अपनी मैया के साथ सत्संग में जाते थे, इसलिए हर माँ से आग्रह करते हैं कि अपने छोटे छोटे बालकों को लाया। तो नारद जी बोले, व्यास जी जब हम जाते तो हमें पता चला कि जगत में कोई किसी का नहीं है, मैया को बोल दिया, मैया अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे। मैया ने संतों से प्रार्थना की, संतों ने कहा बेटा थोड़े समय माँ की सेवा करो। हम माँ की सेवा करने लगे। एक रोज हमारी मैया गाय दोहन करने के लिए गई, गाय का दूध निकालने के लिए गई और मैया को एक सर्प ने काट लिया, मैया की मृत्यु हो गई। अब हमारी एक आंख से तो खुशी के आंसू निकले कि अब हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, भगवान का भजन करेंगे, और दूसरी आंख से गम के आंसू निकले कि हमारी मैया हमें छोड़ के चली गई। होता है ना कभी कभी जब हम खुश होते हैं, जब खुश होते हैं तो हमारी आंखों से ठंडे आंसू निकलते हैं और जब गम में रोते हैं तो वैसे कंडीशन कुछ नारद जी की थी। तो बोले हम बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद में भगवान का भजन किया, भगवान की तपस्या की, फिर हमारा आकाशवाणी हुई और पता चला कि नारद अभी तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा, तुम अगले जन्म तक मेरी प्रतीक्षा करो, तपस्या करो, अगले जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन होगा। नारद जी कहते हैं, व्यास जी हमने तपस्या की, हमारा पंच भौतिक शरीर मिट्टी में मिला, हमारा अगला जन्म हुआ और अगले जन्म में हमने भगवान का भजन किया। भगवान का भजन किया तो भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर हमें दर्शन दिया और तभी भगवान ने हमें एक वीणा प्रदान की और इस वीणा को लेकर के हम जन जन में प्रचार करते हैं और भगवान के भक्तों को कहते हैं कि जगत में भजन के बिना कुछ नहीं है। इस तरह श्री व्यास जी महाराज को नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण कराते हैं और जब पूर्व जन्म की कथा श्रवण कराई तो यहां श्री नारद जी ने श्री वेद व्यास जी को कुछ श्लोक दिए और उन्हीं श्लोकों से श्री व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों का निर्माण किया। इस तरह श्री सूत जी महाराज ऋषियों को कथा श्रवण कराते हैं। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। इस तरह श्री वेद व्यास जी इस महापुराण का निर्माण करते हैं। अपने शिष्यों को श्री व्यास जी ने कुछ श्लोक रटाए, वो जब भी जंगल में जाते तो उन श्लोकों का श्रवण करते, क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज संन्यास लेकर के जंगल में चले गए और जब व्यास जी महाराज के शिष्य जंगल में गए उन श्लोकों को श्रवण करते हुए तो श्री सुखदेव जी के महाराज श्री सुखदेव जी के कानों में वो श्लोकों की आवाज गई। दौड़े दौड़े आए, भैया आपने श्लोक कहाँ से श्रवण किए? बोले आपके पिताजी यानी व्यास जी महाराज ने हमें ये श्लोक श्रवण कराए। दौड़े दौड़े श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पास गए और यहाँ तीसरी बार श्री सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी यानी व्यास जी महाराज के मुख से कथा श्रवण करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस तरह श्री सुखदेव जी महाराज ने कितनी बार कथा श्रवण की? 3 बार। और तीनों बार की कथा मैंने आपको अभी श्रवण कराई। पहली बार गौलोक धाम में,
राधा रानी के मुख से कथा श्रवण की थी ना अभी। और दूसरी बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के मुख से, और तीसरी बार अपने पिताजी यानी श्री वेदव्यास जी महाराज के मुख से। तो इस तरह श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करते हैं। अब बचे श्री परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी महाराज का प्राकट्य कैसे हुआ? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, कि जिस समय कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था, जब सभी कौरव मारे गए, केवल एक बचा जिसका नाम था दुर्योधन। दुर्योधन रणभूमि के मैदान में असहाय पड़ा हुआ है और विलाप कर रहा है। आज भीमसेन ने दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ा गदा के माध्यम से। यहां जब असहाय दुर्योधन पड़ा हुआ है, तो गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा रणभूमि के मैदान में आते हैं। आकर के देखा कि मेरा मित्र आज असहाय पड़ा हुआ है, तो कारण पूछा और इस अवस्था का कारण पूछा कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की। अश्वत्थामा को बताया कि मेरे पांचों पांडवों ने ये मेरी हालत की, और अगर तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो मेरी इस हालत का बदला जरूर लेना। अब तो इधर अश्वत्थामा क्रोधाग्नि में चल पड़ा अपने मित्र का बदला लेने के लिए। लेकिन कहते हैं कि जिसका रखवाला भगवान हो, जिसकी रक्षा करने वाला ईश्वर हो, उसका जगत में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संतों ने कहा है कि जाको राखी साया और मार सकी ना को, जो जग बेरी हो। इधर भगवान को तो सब मालूम है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला होगा। भगवान पांचों पांडवों को साथ लेकर के और पांचों पांडवों के शिविर में पांचों पांडवों के पुत्रों को सुला दिया। पांचों पांडवों को साथ में लेकर के रात्रि के समय भगवान भ्रमण करने के लिए निकल गए। अश्वत्थामा आया, महारानी द्रौपदी के पांचों पुत्रों को लेटे हुए देखा तो लगा कि पांचों पांडव सो रहे हैं। महारानी द्रौपदी के पांचों पुत्रों का शीश अलग किया और दुर्योधन के पास लेकर के गया और दुर्योधन को जाके कहा, अरे मित्र, आज मैंने अपनी सच्ची मित्रता का सबूत दिया और मैंने तुम्हारी इस हालत का बदला लिया। हल्का हल्का चांदनी का प्रकाश था। दुर्योधन ने कहा, अरे मैं देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा जैसे ही आगे बढ़ा, पांचों का शीश दिखाया, दुर्योधन के पैरों तले जमीन निकल गई और कहा, अरे अश्वत्थामा, आज तो तूने हमारे कुल का ही विनाश कर दिया। और जैसे ही पांचों के शीश को देखा, दुर्योधन के प्राण निकल गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन रोना नहीं, धैर्य से काम करना। अर्जुन बोले, हे प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, जिसने भी इन पांचों की मृत्यु की, तुम्हें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर अर्जुन अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए चले हैं। यहां कुछ संतों का मानना है कि अश्वत्थामा के साथ अर्जुन का युद्ध होता है, ब्रह्मास्त्र तक चलाया जाता है। अंत में अश्वत्थामा को पकड़ के अर्जुन अपने रथ से बांधते हैं और घसीटते हुए महारानी द्रौपदी के सामने लाकर के खड़ा कर दिया और कहा, तुम्हारे पांचों पुत्रों का गुनहगार है, तुम जो चाहो उसको सजा दे सकती हो।
अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष खड़े हुए हैं। भगवान को कहते हैं, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा, बोले अर्जुन, तुम इसको मार भी दो और तुम इसको छोड़ भी दो, क्योंकि बालकों के हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और जो एक ब्राह्मण होता है उसे कभी मारना नहीं चाहिए। तो तुम एक काम करो, इसको मारो भी, इसको छोड़ो भी। अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं, भगवान का इतना ही इशारा समझ गए और अश्वत्थामा के मस्तिष्क में जो जन्मजात मणि थी उसको निकाला और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। इधर भगवान ने महारानी द्रौपदी को समझाया है, अपनी बहन द्रौपदी को समझाया है। इधर कहा जाता है, श्री सूत जी महाराज ऋषियों को कहते हैं, ऋषियों जिस समय अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन गए थे तो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा था और ठाकुर जी ने अगर ब्रह्मास्त्र देखा तो इधर अभिमन्यु की पत्नी है माँ उत्तरा, वो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा का माँ उत्तरा के गर्भ की ओर परिवर्तित कर दिया। इधर भगवान हस्तिनापुर से जाने की कोशिश में है कि इधर माँ उत्तरा दौड़े दौड़े भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और भगवान से विनती करती है, प्रभु पाही पाही महायोगिनी देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्य परम। हे गोविंद, हे माधव, हे चक्र सुदर्शनधारी, हे मुरली मनोहर, ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को जला रहा है, कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए। कुछ संतों का मानना है कि भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस गर्भ की रक्षा की है। कुछ संतों का मानना है कि भगवान सूक्ष्म रूप बनाकर के माँ उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उस नन्हे से बालक की रक्षा करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर भगवान उस गर्भ की रक्षा करके हस्तिनापुर से द्वारिका जाने के लिए तैयार हैं और इधर सभी कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हैं भगवान को उपहार देने के लिए, लेकिन इस प्रक्रिया में एक ऐसा चेहरा है जो भगवान के सामने आकर के वंदन करता है। वो नाम है मां कुंती, हाथ जोड़कर के भगवान के सामने खड़ी है। भगवान ने सभी को कुछ ना कुछ दिया। मैया कुंती को कहते हैं, बुआ मांग लीजिए। मैया कुंती कहती हैं, प्रभु अगर आप मुझे देना चाहते हो तो बस इतनी कृपा करें कि मेरे जीवन में बस दुख ही दुख आए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे बुआ, पर अगर आप माँ कुंती के जीवन पर एक नजर डालें तो मैया कुंती के जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं था जहाँ उन्होंने विपत्ति का सामना ना किया हो। और आज मांगने की बारी आई तो भी कहा कि बस मेरे दामन में दुख ही दुख डाल दो। अगर भगवान हमारे सामने खड़े हो जाएं और कहें भक्त मांग ले तो हम इतनी लंबी सी लिस्ट बना के दे देंगे, प्रभु सारी इच्छाएं पूरी कर दो। और माँ कुंती ने मांगा तो कुछ नहीं मांगा, बस दुख ही दुख दे दीजिए। क्यों? क्योंकि कहा दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। हम क्या करते हैं, दुख के समय में तो भगवान का दामन पकड़ लेंगे और सुख के समय में अच्छी अच्छी जगह घूमने जाएंगे। सुख के समय में ये नहीं सोचते कि हमें भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। माँ कुंती बोली, महाराज ऐसा सुख मेरे किसी काम का नहीं, जहाँ आपका नाम मैं भूल जाऊं, क्योंकि प्रभु वा सुख के माथे सिल पड़े। सिल समझते हो? कुछ तो बोला करो।
सिल समझ में आता है? किसको कहते हैं? सिल कहते हैं, पहले होता था सिल बट्टा, जिसमें चटनी बनती थी, हमारे यहाँ तो सिल बट्टा कहते हैं, आपका तो पता नहीं। आजकल जिसको ग्राइंडर बोलते हैं ना इंग्लिश में, मिक्सी समझते हो? मिक्सी तो समझती होगी। तो पहले जमाने में सिल बट्टे होते थे, यानी पत्थर लगा लगा, पत्थर का बना हुआ था, एक स्ट्रक्चर होता था। तो माँ कहती है कि वह सुख के माथे सिल पड़े, जो हरी हृदय सो जाए, और बलिहारी वा दुख की में जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख के ऊपर तो मैं भारी सिला लटक दूं, जो तेरे नाम को मुझसे दूर करे, और बलिहारी वा दुख की में जो पल पल नाम जपाए। ऐसा सुख नहीं चाहिए प्रभु। एक कथा आती है कि जिस समय हनुमान जी महाराज लंका जाते हैं और माता सीता का पता करके वापस आए, तो भगवान श्री रामचंद्र ने पूछा, कोई संकट तो नहीं आया, कोई विपत्ति का क्षण तो नहीं था? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु वैसे तो कोई विपत्ति नहीं थी, लेकिन छोटा सा संकट था। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी ने कहा, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई हो, जब तब भजन ना सो मेरा हो। सबसे दुख भरा क्षण वही है जब प्रभु के नाम की स्मरण उसको ना हो पाए। इस तरह माँ कुंती भगवान श्री हरि को प्रार्थना करती हैं। इधर भगवान आज द्वारिका वापिस नहीं गए, हस्तिनापुर ही प्रभु ठहरे हैं। सब सोच रहे, अर्जुन सोच रहे हैं कि प्रभु मेरे कारण द्वारिका नहीं गए। धर्म युधिष्ठिर सोच रहे हैं, प्रभु मेरे कारण वापस नहीं गए। द्रौपदी जी सोच रही हैं, प्रभु मेरे कारण वापस नहीं गए। लेकिन जिस कारण प्रभु यहाँ रुके हैं, वो कारण कोई और ही है। आज बाणों की उस सेज के ऊपर एक ऐसा दिव्य पुरुष लेटा हुआ है, जिसके पूरे शरीर में बाण ही बाण लगे हुए हैं। पितामह भीष्म बाणों की सरसैया पर लेटे हुए हैं। पांचों पांडव
और महारानी द्रौपदी के साथ प्रभु पितामह भीष्म के पास गए हैं। सभी ने चरणों में वंदन किया है। आज जैसे ही पितामह भीष्म ने प्रभु श्री कृष्ण को देखा है तो टक टक ही लगा करके भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं। नाना प्रकार के उपदेश यहाँ प्रभु श्री कृष्ण पितामह भीष्म को देते हैं और अंतिम में पितामह भीष्म के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकल के भगवान श्री कृष्ण के धाम चली जाती है और पितामह भीष्म के प्राणों आज प्रभु हरण कर लेते हैं। इस तरह उन्हें सदगति भगवान ने दिलाई है। श्री सूत जी महाराज ऋषियों को कह रहे हैं, ऋषियों पितामह भीष्म का अंत हुआ है और जिस बालक की रक्षा भगवान ने उत्तरा के गर्भ में की थी, इधर वो बालक संसार में आने की तैयारी कर रहा है। इधर पितामह भीष्म का अंत हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अब हमें जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को साथ लिया और अर्जुन को साथ लेकर के प्रभु द्वारिका के लिए चले गए। इधर एक रोज धर्म युधिष्ठिर एक नगरी में जाते हैं और नगरी में जाकर के देखा कि एक लोहार ताला बना रहा था। धर्म युधिष्ठिर विचार करने लगे कि शायद हमारे राज्य में चोरियां होने लगी जो ताले का निर्माण हो रहा है। बड़ी चिंता में वापस आए और इधर भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके अर्जुन वापस आए। अर्जुन ने देखा कि धर्म युधिष्ठिर यानी बड़े भैया उदास बैठे हुए हैं, इधर अर्जुन भी उदास है। युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन इस उदासी का कारण है, कारण बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण हम सभी को छोड़ करके चले गए, अर्जुन ने युधिष्ठिर को कहा। युधिष्ठिर ने कहा कि अगर जब प्रभु ही हमारा साथ छोड़ करके अपने परम धाम चले गए तो हमारा जीना दुर्लभ है। यहाँ कुछ भक्त कहते हैं कि नारद जी आते हैं, नारद जी धर्म युधिष्ठिर को आकर के उपदेश देते हैं कि तुम उनकी चिंता मत करो, 6 महीने के बाद धरा धाम पे कलयुग का आगमन होने वाला है, इसीलिए तुम स्वयं की चिंता करो। जिस बालक की रक्षा भगवान ने की थी, आज उस बालक का गर्भ से बाहर निकलने का समय आया और वो बालक अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है। धीरे धीरे वो बालक बड़ा होता है। 5 वर्ष की आयु हुई और संतों के द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा नाम पड़ा परीक्षित जी महाराज। इधर धर्म युधिष्ठिर जी ने देखा तो धर्म युधिष्ठिर पांचों पांडव और महारानी द्रौपदी को साथ लिए और हिमालय पर्वत की ओर चले गए। यहाँ कहा जाता है कि परीक्षित जी महाराज को धीरे धीरे जब युवा हुए हैं तो राजपाट परीक्षित जी को सौंप दिया। पांचों पांडवों के शरीर गले, कुछ सहस सहित भगवान के धाम को चले जाते हैं और कुछ के शरीर गल जाते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो इसीलिए आज हस्तिनापुर के राजा हो गए श्री परीक्षित जी महाराज। इसीलिए कहा कि परीक्षित जी महाराज के जीवन में इतना संयम है, इतना भजन है, इतना भक्ति है और एक राजा के जो नियम होते हैं, एक राजा के जो पालन करने के नियम होते हैं, वो सब श्री परीक्षित जी महाराज के जीवन में। इसीलिए जीवन में जब भी घड़ी आए, जीवन में जब भी समय मिले तो कहा जाता है कि सेवा से इस इंसान को, इस जीव को पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेवा करेंगे तो ही आपको क्या मिलेगी। सेवा कोई नहीं करता और मेवा सबसे बड़ी दिक्कत आपकी ये है कि आप बोलते नहीं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि जैसे आज माता यहाँ पे बैठी हुई है, एक परिवार था, एक परिवार के अंदर एक बूढ़ी मैया थी। हम कहते हैं बार बार कहते हैं कि सेवा करनी चाहिए, सेवा करो। एक बूढ़ी मैया और उसका एक छोटा सा पोता कथा श्रवण करने आते थे। कथा में बताया जाता है कि बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए।
तो वे बेचारा सुन के जाता और अपनी दादी की सेवा करता। लेकिन उसकी जो माता जी थी वो अपनी सास माँ की जरा भी सेवा नहीं करती और क्या करती कि एक पात्र लेके रखा, एक पात्र लिया, खाना देना हो, खाने की कोई भी वस्तु देनी हो, बस उस मिट्टी के पात्र में देती। अब जो छोटा सा बालक था वो अपनी माता जी के सारे काम देखता रहता। एक रोज उसकी दादी का देहांत हो गया। अब जब अर्थी को लेके चले वहां अग्नि लगा दी और वापस घर आए। अब उसकी माता जी ने वो मिट्टी का पात्र लिया और फोड़ने के लिए चली। जो छोटा बालक था उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बोले, मैया कहाँ लेके जा रही हो? बोले, तुम्हारी दादी तो रही नहीं, अब इस मिट्टी के पात्र का होगा क्या? तो मालूम है क्या कहता? बोले, अभी बुढ़ापा आपको आना, और जब आपको बुढ़ापा आएगा तो जो भी खाने पीने की वस्तु होगी वो हम किस में देंगे आपको? इस पात्र में। तो इसीलिए जैसी आप सेवा करोगे, जैसे आप आचरण रखोगे, जैसा आप व्यवहार रखोगे, आने वाले बच्चे इतने तेज हैं, आने वाला फ्यूचर इतना एक्स्ट्रा है कि वो सेम चीज फॉलो करता है। तो इसीलिए बिहारी जी के समय चरणों में जब भी समय मिले तो दो घड़ी भजन जरूर कीजिएगा। माँ कुंती का भाव अभी आपने सुना। माँ कुंती का सिर्फ एक ही भाव था, क्या भाव कुंती रखती है आइएगा। की कचरारी इन अखियन सोशा मत तकियो मेरी ओ की मेरो चित चुरा के ले गयो वो तो छलिया नंद किशोर की वो छलिया नंद किशोर मारी गयो चोट करारी और घायल करके छुप गयो रीवो तो कुंजन कुंज बिहारी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। भाव के साथ मिलकर के गाइएगा। कि तेरी अखिया है जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी अखिया है जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी हे प्रभु हो लगी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। जब भी आप भगवान के सम्मुख जाएं तो कभी भी भगवान से ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें सोना दो, चांदी दो, ये दो, वो दो, नहीं प्रभु। जब भी आपके चरणों में बैठे सिर्फ आपका दीदार हो। गाइएगा भाव के साथ। तेरी अखिया है जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी बिहारी जी में कब से खड़ी अखिया है।
देखा और नजर पड़ी जब नजर के ऊपर तो नजर से घायल नजर को देखा। आपकी जो नजरें हैं का भाव था। नाना प्रकार की कथाएं श्रवण करी। इसके पश्चात श्री सूत जी महाराज ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं।
कि हस्तनापुर के राजा हुए परीक्षित जी महाराज। एक दिन परीक्षित जी महाराज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए और उन्होंने देखा कि एक बैल एक ही पैर के सहारे खड़ा हुआ है, उसके तीन पैर नष्ट हो चुके हैं और उसके सामने एक गैया मैया रुदन कर रही है। परीक्षित जी महाराज ने देखा तो बड़े दुखी हुए, थोड़ा आगे चले और देखा कि जो गैया मैया है वो बड़ी कष्ट में है, वो बड़ी दुखी है। थोड़ा आगे और चले, गैया मैया को देखा तो कोई गैया मैया की बड़े जोरों से पिटाई कर रहा है। परीक्षित जी महाराज को बड़ा क्रोध आया, अपना धनुष बाण निकाला और उसको मारने के लिए चले। संतों ने कहा है जो गैया मैया थी ये और कोई नहीं, स्वयं पृथ्वी माता थी, और जो ये बैल है ये और कोई नहीं, ये धर्म है। धर्मदेव जी महाराज बैल रूप धारण करके आए। धर्म के चार पग होते हैं, चार पैर होते हैं, लेकिन कलयुग आते आते तीन पैर नष्ट हो गए, इसीलिए एक पैर पर बैल खड़ा हुआ है। जो शूद्र गैया मैया को मार रहा है ये और कोई नहीं, ये स्वयं कली है, यानी कलयुग। अब जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने अपना धनुष बाण निकाला तो कली बग आज परीक्षित जी महाराज के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। परीक्षित जी महाराज को दया आई और कहने लगे, बोले तुम गैया मैया को इस तरह से पिटाई कर रहे हो, इसीलिए मेरे राज को छोड़ करके चले जाओ। देखो कलयुग के अंदर भगवान श्री कृष्ण को, कलयुग ही नहीं बल्कि और भी युगों में भगवान श्री कृष्ण को जो सबसे ज्यादा प्रिय है तीन चीजें, गीता, दूसरा गाय और तीसरा गोपी। आज घर घर में जाके देख लो, गीता चंद व्यक्ति पढ़ते हैं, दूसरा गैया मैया, गैया मैया बहुत कम घरों में मिलेगी। आज गैया मैया को कोई पालना पसंद नहीं करता और कुत्ते सब पालते हैं। गैया मैया को एक रोटी तक नहीं खिला सकते और आजकल शहरों में जाके देखो कुत्तों को ऐसे ऐसे फैसिलिटीज प्रोवाइड किए हैं जो एक हाई प्रोफाइल बंदे को दिए जाते हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि ज्यादा नहीं रख सकते, एक गैया मैया के लिए आपके घर में स्पेस नहीं है तो आप गौशाला में जाके एक गैया मैया गोद ले लो, लेकिन गैया मैया की सेवा जरूर करनी चाहिए। और तीसरा गोपी, आज आप देख लो गोपी यानी मातृ शक्ति, माताएं बहनें। आज कभी एक लड़की को गर्भ के अंदर मरवा दिया जाता है, गर्भ के अंदर से वो बाहर निकलती है तो आज उसको इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, घर से बाहर नहीं जा सकती। घर से बाहर भी जाती है तो आजकल का जमाना कितना खराब हो गया, क्या लोगों की मती हो गई, हर शहर में हर गांव में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। अगर घर से बाहर भी जाती हैं, बेटियों का विवाह हो जाता है तो कभी बेटियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। तो हर एंगल से देखें तो आज कन्याओं को, बहनों को, माताओं को बहुत सारी चीजों से सामना करना पड़ रहा है और कलयुग में धीरे धीरे तीनों चीज खत्म होती जा रही है। गीता भी खत्म होती जा रही है, कोई नहीं पढ़ता, गाय मैया की सेवा कोई नहीं करता, धीरे धीरे वो भी समापन की ओर है, तीसरा गोपियां और एक और लगा लो गीत, भगवान बंसी बजाते थे, गीत गाए जाते थे और आजकल गीत कैसे कैसे चल रहे हैं। यहां से बताएं शोभा नहीं देता क्योंकि व्यासपीठ की कुछ मर्यादाएं होती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि नहीं, आप खुद समझदार हैं। आप में से बहुत सी माताएं हैं, आजकल तो फोन इतनी बड़ी बीमारी हो गई, बस 24 घंटे माताएं भी आजकल फोन पे अटकी रहती हैं। तो फोन एक तरह से नेगेटिव भी है और एक तरह से पॉजिटिव भी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कैसे यूज करते हो। तो आप फोन चलाते हैं बहुत अच्छी बात है, आप अपने फोन में यूट्यूब पर जाएं और वहां से
मोर म्यूजिक कंपनी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से प्यारे प्यारे भजनों का आनंद ले सकते हैं। मोर भक्ति भजन आप अपने फोन में डाउनलोड कर लें, अपने प्ले स्टोर में जाके और वहां से ठाकुर जी के भजनों का आनंद ले सकते हैं। और आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जितनी भी माताएं यहाँ आती हैं, दूसरी तरह के गीत तो आप सब सुनते हैं, लेकिन जितना ठाकुर जी के भजनों का आनंद है, थोड़ा सा एक बार ट्राई करके तो देखो। तो गीत भी आजकल खत्म होते जा रहे हैं। आज किस तरह से एक शूद्र को गैया मैया को मारते हुए देखा, तो आज उस कली को राजा परीक्षित कहते हैं, बोले तुम्हें मेरा राज छोड़ना पड़ेगा। कलयुग कहता महाराज सब जगह आपका राज, आखिर में जाऊं तो कहां जाऊं। तो चार जगह राजा परीक्षित कलयुग को देते हैं और कहते हैं कि पहला स्थान जहां जुआ खेला जाता हो तुम वहां रह सकते हो। तो कलयुग ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, बोले महाराज जुआ खेलना तो इतनी बुरी जगह है, मैं वहां नहीं रह सकता, तो मना कर दिया। दूसरा स्थान जहां मदिरा पान की जाती हो तुम वहां रह सकते हो। तो कलयुग बोला, बोले महाराज ये तो बहुत बेकार जगह है, इसीलिए हम नहीं रह सकते वहां। तीसरा स्थान जहां हिंसा होती हो वहां रह सकते हो। हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज नहीं मैं नहीं रह सकता। ना जाने क्यों राजा परीक्षित के मुख से निकल गया कि तुम स्वर्ण में वास कर लो। अब तो महाराज जो स्वर्ण मुकुट राजा परीक्षित पहने हुए थे, कली उसी के अंदर अपना स्थान लेकर के विराजमान हो गए। अब तो धीरे धीरे समय बीता। कई लोग प्रश्न करते हैं, बोले इसका मतलब तो सोने के अंदर कली का वास होता है, लेकिन जो असभ्य तरीके से सोना यानी चुराया हुआ सोना या चोरी किया हुआ सोना उसके अंदर कली का वास होता है, अदरवाइज आपकी मेहनत का है शुद्ध है तो उसमें कली का वास नहीं होता। अब तो इस तरह से धीरे धीरे समय बीता। राजा परीक्षित एक रोज उस स्वर्ण मुकुट को धारण करके जंगल की ओर गए। चलते चलते राजा परीक्षित को प्यास लगी और उनका गला सूखने लगा। सामने एक आश्रम देखा, एक कुटिया देखी। उस कुटिया के अंदर समीक ऋषि अपना भजन कर रहे थे। जैसे ही भजन किया तो जाकर के आवाज लगाई, अरे महाराज हमारा गला सूख रहा है, थोड़ा पानी दीजिए, थोड़ा जल की सेवा कीजिए। समीक ऋषि का कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि उनका ध्यान ईश्वर से लगा हुआ था, भजन कर रहे थे, ध्यान नहीं गया। आज मति को कली उस कली ने हट लिया और विचार करने लगे, अरे इतना बड़ा राजा की कुटिया में आया है और ये महाराज अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है, एक इस पात्र में जल तक नहीं दे सकता। अब तो महाराज क्रोध में आकर के मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, आज तो अपने बाण से वो मरा हुआ सर्प उठाया और राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में। अब तो इधर मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए। समीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, वो स्नान कर रहे थे। अब जैसे ही उनके मित्रों ने बताया, बोले तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, नेत्र बंद किए, हाथ में जल लिया और वहीं से श्राप दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाला, आज से ठीक सातवें दिन तक्षक नाग के डसने के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्राप दे दिया। अब तो महाराज जैसे ही राजा परीक्षित अपने राजभवन में आए, जो मुकुट उतार के रखा तो किए हुए उस अपने पाप के ऊपर पश्चाताप करने लगे कि मैंने आज बहुत बुरा किया, एक ऋषि के गले में मैंने मरे हुए सर्प को डाल दिया। इधर श्रृंगी ऋषि अपने पिता समीक ऋषि के पास आए, बोले पिताजी जिसने भी आपके गले में सर्प को डाला हमने उसको श्राप दे दिया, ठीक सातवें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि कहने लगे, बेटा तुमने ये कितना बड़ा एक इतने बड़े राजा को श्राप दे दिया, ये तो अनर्थ कर दिया। अपने कुछ शिष्यों को समीक ऋषि ने भेजा,
राजा परीक्षित को पता चला कि मुझे श्राप लगा है, ठीक सातवें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसी समय अपना सारा राजपाट छोड़ दिया और गंगा के किनारे राजा परीक्षित जी महाराज पहुंच गए। गंगा के किनारे अपना जैसे ही स्थान लिया, बहुत बड़े बड़े ऋषि वहां राजा परीक्षित के श्राप को सुनकर के पहुंचे हैं। अत्रि महाराज, वशिष्ठ महाराज, भृगु जी आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पहुंचे। सबको राजा परीक्षित ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद सबसे पहले एक प्रश्न किया, बोले महाराज, मरते हुए व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना चाहिए? जिस व्यक्ति की मृत्यु समीप हो उसका कोई समाधान है? अब तो महाराज ऋषियों ने कहा, राजन तुम चिंता मत करो। इतना ऋषियों ने समझाया था कि वहां अवधूत वेश धारण किए, सिर्फ शरीर के ऊपर एक अंगोछा लपेट करके श्री सुखदेव जी महाराज का वहां आगमन होता है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज जय। श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए और एक उच्च स्थान के ऊपर श्री सुखदेव जी महाराज को बिठाया है और सामने श्री परीक्षित जी महाराज बैठ गए। वही प्रश्न श्री सुखदेव जी महाराज को किया, बोले महाराज मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? श्री परीक्षित जी महाराज को राजा सुखदेव कहते हैं, राजन डरने की कोई बात नहीं है। राजा खटवांग ने तो एक घड़ी के अंदर भगवान को प्राप्त कर लिया था, तो आपके पास तो 7 दिन पड़े हैं, लेकिन आपको इन 7 दिनों में करना क्या है? उपदेश दे रहे हैं श्री सुखदेव जी मुनि। आइएगा उपदेश को श्रवण करते हुए भाव के साथ गाइए। उपदेश में कहा, आत्मा का कोई तू जतन कर ले, हे राजा, आत्मा का बस तू जतन कर ले और रोज थोड़ा थोड़ा हरिया। अच्छा, आप गाते भी हो? गाती हो? लग तो नहीं रहा। आइएगा भाव के साथ गाइएगा। आत्मा का बस तू जतन कर ले, आत्मा का बस तू, गाइएगा भाव के साथ मिलकर के, कि आत्मा का बस तू जतन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का। अच्छा, भजन तो करते होंगे आप, माला करते हो? कई मालाएं होती है, ध्यान दो, कई और है, हाथ में माला चल रही है, ऐसा भजन। कैसा भजन? जो तन भी वही हो और मन भी वही हो। तन आपका यहाँ लग रहा, यहाँ बैठे हो, मन आपका 84 के चक्कर लग रहा, तो ये वाला भजन नहीं। आत्मा का बस तू जतन कर ले, आत्मा का कोई तू जतन कर ले रो। करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा।
भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाए। आत्मा के साथ
केवल जल ही जल था। जल के ऊपर नारायण भगवान अपनी शेष की सैया पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके चरण कमलों को दबा रही है। आज नारायण भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न होता है। कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। स्वयं को अकेला जान करके ब्रह्मा जी सृष्टि के जो निर्माण करने वाले हैं उनकी खोज करने के लिए निकलते हैं। जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की तो भगवान ब्रह्मा को दो शब्द सुनाई देते हैं और वो दो शब्द थे तप। यानी ब्रह्मा जी तुम तपस्या करो तब तुम्हें पता चलेगा कि सृष्टि कैसे निर्माण करनी है और तुम्हारा आने का कारण क्या है। जल से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी चल पड़े तपस्या करने के लिए। इस तरह भगवान की इच्छा थी और ब्रह्मा जी तपस्या करने के लिए चल पड़े। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, आकाशवाणी हुई,
आकाशवाणी से ब्रह्मा जी को पता चला कि मेरी उत्पत्ति इसलिए हुई है कि मुझे सृष्टि का निर्माण करना है। अब ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि का नाम लेकर के ब्रह्मा जी ने यहाँ सृष्टि रचना आरंभ की है। सबसे पहले स्वयं से ब्रह्मा जी चार पुत्रों को प्रकट करते हैं, जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने इनसे कहा, बोले तुम सृष्टि का निर्माण करो। चारों कहने लगे, बोले ब्रह्मा जी हम सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकते, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारी आयु 5-5 वर्ष की रहेगी। इन्होंने मना कर दिया, सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकेंगे। आज तो ब्रह्मा जी को जैसे ही क्रोध आया, दोनों बहों के बीच से एक नीले और पीले रंग का बालक पैदा हुआ। रोते हुए वो बालक पैदा हुआ तो नाम पड़ गया रुद्र। और रुद्र ये भगवान शिव के अवतार हैं, भगवान या स्वयं शिव भगवान। आज रुद्र जी को बोला कि तुम सृष्टि का निर्माण करो, तो रुद्र ने सृष्टि का निर्माण किया। तो ये संतानें आपस में ही लड़ने लगी, आपस में ही नष्ट होने लगी। इन्होंने मना कर दिया, बोले महाराज हमसे सृष्टि का निर्माण नहीं होगा। अब तो ब्रह्मा जी महाराज ने स्वयं से सृष्टि का निर्माण किया और संकल्प से ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 10 पुत्रों की प्राप्ति की। 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनका नाम था मरीच, अंगिरी, अत्रि, अंगरा, पुलस, पुलह, कृत, भृगु, दक्ष, वशिष्ठ और नारद जी महाराज। इनको स्वयं से ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। इन सभी को अपने अंगों से ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं। नारद जी को गोद से उत्पन्न किया है, कृत को हाथों से उत्पन्न किया है, पुलह को अपनी नाभि से उत्पन्न करते हैं, पुलस को कानों से, अत्रि जी को अपने मुख से, अंगरा को अपने नेत्रों से और भृगु जी महाराज को अपनी त्वचा से उत्पन्न करते हैं और दक्ष जी को अपने पैर के अंगूठे से उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा जी के दाएं स्तंभ से धर्म की उत्पत्ति होती है, जिसमें भगवान स्वयं नर और नारायण के रूप में अवतरित होते हैं। पीठ से ब्रह्मा जी ने अधर्म का निर्माण किया है, हृदय से काम की उत्पत्ति की है, नीचे के होठ से लोभ, ऊपर के होठ से लज्जा को उत्पन्न किया है। इस तरह ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण आरंभ किया। ब्रह्मा जी ने अपने दाएं और बाएं अंग से एक स्त्री और पुरुष की रचना की है, जिनका नाम था स्वयं मनु और सतरूप। इस तरह से ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण करते हैं। मनु सतरूपा की 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। 2 बेटे जिनका नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत महाराज। सबसे पहली बेटी आकुति, जिनका विवाह होता है रुचि प्रजापति के साथ में। इनको एक बेटा हुआ यज्ञ और बेटी हुई दक्षिणा। इनकी दूसरी बेटी का नाम है देवहूति, जिनका विवाह होता है कर्दम ऋषि के साथ। इनकी सबसे बड़ी बेटी है, नाम है जिनका कला और उनसे छोटी है जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा अनसुईया माता। और अनसुईया माता वो देवी हुई जो कि एक पतिव्रता नारी थी और उनके पतिव्रत धर्म को देख करके स्वयं मैया लक्ष्मी के मन में भी आया कि हमसे बड़ी पतिव्रता तो सृष्टि के ऊपर कोई हो ही नहीं सकती। अपने स्वामियों को कहा, बोले महाराज एक बार इनके परीक्षा लीजिए। परीक्षा लेने के लिए भी जाते हैं तीनों देवता। मैया ने अपने तप के कारण, अपने पतिव्रत धर्म के कारण तीनों को बालक बना दिया। तीनों मैया जो इस भ्रम में थी कि हमसे बड़ी कोई पतिव्रता नहीं है, उनके भ्रम को भी तोड़ा। ऐसी ऐसी देवियां मेरे इस हिंदुस्तान की धरती पर हुई हैं। तो इसी तरह मैया देवहूति के कन्याएं उत्पन्न हुई और 10वीं संतान के रूप में स्वयं कपिल भगवान का अवतार होता है। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो कपिल भगवान
मैया देवहूति को बहुत सारा उपदेश देते हैं, आत्म उपदेश देते हैं। मैया देवहूति भगवान कपिल को एक चौकी पर बिठाती है और पूछती है, प्रभु मुझे ये बताइए, मैं जानती हूँ कि वैसे तो आपने मेरे यहाँ जन्म लिया है, परंतु आप स्वयं भगवान का रूप है, आप मुझे ये बताइए कि आखिर माया क्या है और मुझे बताइए कि सबसे उत्तम उपाय क्या है जो जीव इस माया से बच सके। आखिर मुझे ये भी जानना है कि मैं अपने मन को कैसे एक जगह रोक सकती हूँ। मेरा मन कभी संसार की तरफ जाता है, कभी ईश्वर चरणों की तरफ जाता है। भगवान कपिल कहते हैं, मैया अगर आपको अपने मन को एक जगह रोकना है तो इस जीव के लिए मन से ही बंधन है और मन से ही मुक्ति है। अगर ये मन संसार की ओर जाता है तो जीव बंधन में बंध जाता है, और अगर ईश्वर चरणों की ओर अनुराग हो जाता है तो इस जीव की मुक्ति हो जाती है। अब ये इस जीव के ऊपर निर्भर है कि ये संसार में फंसना जाता है या भगवान के अनुराग में जाना चाहता है। माँ देवहूति भगवान कपिल को एक और प्रश्न करती है कि मैं बहुत सोचती हूँ और बहुत चाहती हूँ कि मेरा मन संसार की ओर ना जाए, लेकिन फिर भी मेरा मन बार बार संसार की तरफ जाता है। मेरी पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां मुझे बार बार संसार की ओर लेकर के जाती हैं। भगवान कपिल कहते हैं, हे मैया अगर आप अपनी कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों को वश में करना चाहती हो तो सबसे सरल उपाय है इस जीव को संयम में रहना चाहिए। यानी संयम, आप जो भी चीज घर में लेकर के आते हो, सबसे पहले आप कुछ भी खाते हो, सबसे पहले आप कुछ भी पहनते हो, तो आप भगवान को अर्पण जरूर करें, क्योंकि प्रभु के बिना, प्रभु की इच्छा के बिना और प्रभु की कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ भी खाते हैं तो भगवान को भोग लगाते हैं क्योंकि भगवान की ही इच्छा से हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो आप जो भी खाते हैं, जो भी वस्तु पहनते हैं, आप भगवान का भोग जरूर लगाएं। मैया देवहूति भगवान कपिल को एक और प्रश्न करती है, बोले अच्छा प्रभु ये बताइए कि जीव जब गर्भ के अंदर रहता है, जीव जब गर्भ में रहता है तो वहां तो ना इसको कोई टेंशन होगी, ना इसको कोई कष्ट होगा, वहां तो बड़े आराम से रहता होगा। तो भगवान कपिल कहते हैं, अरे मैया जितना दुख इस जीव को गर्भ के अंदर होता है उतना दुख कभी नहीं होता, क्योंकि गर्भवास समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले कभी हुआ होगा ना भविष्य में कभी होगा, इतना दुख होता है। बोले जब भी मैया कुछ भी, जब गर्भवती होती है, जब कुछ भी चीज सेवन करती है, अगर ज्यादा मिर्चीली चीज खा ले तो बच्चे को जाके चुभन होती है, छोटे छोटे कीटाणु बच्चे को खाते रहते हैं। अरे मैया इतना दुख सहन करना पड़ता है इस जीव को इस गर्भ के अंदर। गर्भ में ये जीव भगवान को प्रार्थना करता रहता है, प्रभु एक बार इस नरक कुंड से, यानी गर्भ को नरक का स्वरूप माना गया, इस नरक कुंड से बाहर निकालो, मैं वादा करता हूँ तेरा बड़ा भजन करूंगा। भगवान भी सोचते हैं, चलो इसको गर्भ से बाहर निकाल देते हैं। संसार में आके अपने बचपन में खेल कूद में अपने समय को व्यतीत किया, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर अपना स्ट्रगल टाइम आता है, अपने करियर की सोचता है, धीरे धीरे समय होता है, विवाह हो जाता है, और उसके बाद में अपने दिनचर्या में अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाता है, धीरे धीरे जीव बुढ़ापे की तरफ चला जाता है। गर्भ में इतने वादे किए और संसार में आके सब वादे भूल गए। कपिल भगवान कह रहे हैं, मैया
गर्भ में तो इतने इतने वादे करता है, संसार में आके कुछ नहीं करता। मैया कहती है अच्छा प्रभु, गर्भ से बाहर निकल करके संसार में आके तो सुखी से रहता होगा। बोले अरे मैया, संसार में आकर के तो गर्भ से भी ज्यादा दुख सहन करना पड़ता है। व्यक्ति छोटी छोटी कठिनाइयों को सामना नहीं कर पाता, छोटी छोटी मुश्किलों से डर जाता है। मैया बोली अच्छा प्रभु, संसार में आके भी इसको दुख सहन करना पड़ता है। तो भगवान कपिल कहते हैं मैया सुनो, कि दीन कहे धनवान सुखी। अरे मैया, दीन सोचता है कि जिसके पास धन ज्यादा है वो संसार में सबसे ज्यादा सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी, कि राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। एक जो गरीब इंसान होता है वो सोचता है कि जिसके पास धन ज्यादा है वो सुखी है। अब धनवानों की तो इतनी हालत खराब है कि आजकल तो बड़े बड़े छापे पड़ रहे हैं, कहाँ छुपाएगा धन को। धनवान सुखी, धनवान सोचता है जो राजा है, राजा के ऊपर इतना भार है कि प्रजा को कैसे हैंडल कर। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र हमेशा इसी डर में जीता है, कभी मेरी कोई गद्दी कोई ना हड़प ले। आप कहानी पढ़ के देखना इंद्र महाराज की, उनके जीवन में बड़ी टेंशन है। इंद्र महाराज सोचते हैं, इंद्र सोचते हैं कि ये सुख चतुरानन को भी भारी है, यानी चतुर्मुखी भगवान को भी भारी है। ब्रह्मा सोचते हैं इस सुख से तो विष्णु भगवान भी सुखी नहीं रह पाए। लेकिन तुलसीदास जी ने जब विचार किया, हर एक बात को सांचे में ढाला, तो विचार करके सबका निष्कर्ष निकाला कि जिसके जीवन में हरि का भजन नहीं है वो जीव संसार के अंदर कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। इसीलिए माँ देवहूति को नाना प्रकार का आत्म उपदेश भगवान कपिल ने दिया है। मैया बार बार वंदन कर रही है भगवान कपिल को। इसके बाद अपनी माँ को बहुत सारा उपदेश दिया और अंत में मैया को प्रणाम करके भगवान कपिल गंगा सागर क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, बांकी बिहारी लाल की जय। एक सूचना है आप सभी भक्तों के लिए, आज इस अनुष्ठान में हम सभी सम्मिलित हुए हैं, तो सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से सूचना देना चाहती हूँ कि आज हम इस मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं, इस महोत्सव में हम सभी भाग ले रहे हैं, तो हम सभी भक्तों का एक कर्तव्य बनता है इस मंदिर के लिए, क्योंकि मंदिर अकेला व्यक्ति नहीं चला सकता। मंदिर हो या कोई संस्था हो, अकेले व्यक्ति से कुछ नहीं होता। इसीलिए ये मेरा खुद का ओपिनियन ऐसा है कि आप सभी को थोड़ा थोड़ा इस मंदिर के लिए दान करना चाहिए। तो अगर आपको मेरी बात सही लग रही है और आप अगर सहमति व्यक्त करते हैं तो आप इस मंदिर के लिए थोड़ा थोड़ा दान जरूर करें। ये नहीं कि आप हजारों या लाखों कर रहे हैं, जितनी आपकी श्रद्धा आप उतना दान जरूर करें। अगर आप सहमत हैं तो जोरदार तालियों के साथ बताइएगा। अब ये मत सोचना कि जबरदस्ती हो रही है, जबरदस्ती तो नहीं हो रही।
आपकी जितनी भी श्रद्धा हो आप दान जरूर कीजिएगा, ताकि जो हमारी ये कमेटी है, जो कार्यकर्ता है, इनका हौसला बढ़े और इनको भी ठाकुर जी की कृपा ऐसे ही प्राप्त होती रहे हर वर्ष जब तक ये सृष्टि रहे। मैं तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ, हर वर्ष इसी तरह का अनुष्ठान इस मंदिर के पावन पवित्र प्रांगण में जरूर हो और इस महायज्ञ में श्री शंकर ज्ञान महायज्ञ 32वां महामहोत्सव में जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी, श्री शंकर ज्ञान महायज्ञ पूजा समिति से जो इस महायज्ञ के अध्यक्ष हैं, श्री सुभाष सिंह जी ये भी श्री शंकर मंदिर प्रबंधक समिति के अध्यक्ष हैं, जो इसके महामंत्री हैं श्री मुरली सिंह जी, जो महामंत्री हैं श्री धर्मेंद्र सिंह जी, कोषाध्यक्ष हैं श्री राम आशीष प्रसाद जी, जो भंडारी हैं श्री कामेश्वर सिंह जी, पूर्व महामंत्री रह चुके हैं श्री राम नारायण सिंह जी, पूर्व महामंत्री श्री शशि सिंह जी और कोषाध्यक्ष श्री बजरंगी अग्रवाल जी और मंच संचालक श्री कामेश्वर सिंह पंकज जी, इन सभी के लिए आप सभी की ओर से जोरदार तालियों का स्वागत हो जिन्होंने इतने अच्छे इस महायज्ञ का आयोजन किया। और जैसे कि कल आपको बताया था, क्या बताया था, आपको बताया था कि जब भी आप कथा श्रवण करने आए, कथा के कुछ नियम हैं, खाली हाथ मत आइएगा, प्रसाद थोड़ा थोड़ा जरूर लाइएगा। शायद मुझे यहाँ का तो पता नहीं, लेकिन कल जिस तरह से देखा, क्योंकि प्रसाद हो कथा हो, जब भी हम अपने घर के लिए जाते तो खाली हाथ नहीं जाते, तो आप थोड़ा थोड़ा प्रसाद कौन कौन आता है लाइए, लाइयो, एक आध भी नहीं लाई, हम ले आए अपने घर से, थोड़ा थोड़ा प्रसाद लाया करो, 5 रुपए का ही ले आओ, थोड़ा थोड़ा प्रसाद लाया करो, ताकि आप सभी खाली हाथ ना जा सके। और आइएगा, कल इसी समय से भागवत जी श्रवण होगी, आरंभ होगी, कल समय से आइएगा। आइए एक कीर्तन के साथ भागवत जी को विश्राम करते हुए श्री ठाकुर जी के चरणों में चलिएगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जय। ओ कहो कैसे मैं तेरी बन जाऊं रसिया, ओ बन जाऊं रसिया, ओ बन जाऊं रसिया, कहो कैसे मैं तेरी बन जाऊं रसिया, कहो कैसे मैं तेरी बन जाऊं रसिया।
रहे।